हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर, जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं, उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कम्प्लीट वॉच करिए, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1884 ईस्वी में ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यानी ए ओ ह्यूम ने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीन महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया। अतः भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ब्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। वहीं दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, जिनके सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में उपस्थित नहीं थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस दोनों के संयुक्त रूप से प्रयास से 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। मतलब वो उस टाइम इंडियन एसोसिएशन का जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यही कारण है कि 1885 का जब पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, और उसमें महासचिव के रूप में कौन थे? ए ओ ह्यूम इसके महासचिव थे। उस टाइम सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं हो सके थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी को 85 में बना था, और 85 में पहला अधिवेशन हुआ था और 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम या इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। बात करें दादा भाई नौरोजी के द्वारा कुल तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इनका चयन किया जाता है। पहली बार कब किया जाता है? दूसरे अधिवेशन में, यानी 1886 ईस्वी में। ये कलकत्ता में, ये कहाँ पर अधिवेशन होता है? कलकत्ता में, यानी पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ये कोलकाता में होता है। दूसरी बार इनको, दादा भाई नौरोजी को कब चुना गया था? तो 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। और तीसरी बार इन्हें 1906 के कलकत्ता में, तो पहले और तीसरे कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और दूसरा वाला कौन था? लाहौर अधिवेशन में। ये तीन बार दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चयनित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। मतलब इसका पहला, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, और तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। यानी तीन, पहले के अध्यक्ष जो है बिमेश चंद थे, दूसरे के अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं थे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतया राजभक्त रहे। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इसी सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद को तैयार किया। कभी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती कहे जाने वाले सर सैयद अहमद कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यानी राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन सर सैयद अहमद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद के द्वारा। तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में द्वारा प्रकाशित किया। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में उन्होंने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कब या किसके द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो वर्ष 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जाती है, जहाँ पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय को 1920 कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। एनी बेसेंट ये पहली महिला थी, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चयनित होने वाली पहली महिला थी, और ये 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में किसमें सॉरी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। बात करें मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू को 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तथा 1928 ये दो वर्ष इनको जो है मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस पद के अध्यक्ष या राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया गया था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर की तिलक मृत हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत हो जाने के बाद इनको कभी भी जो है या उसके पहले भी ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं चुने गए थे। और इनके द्वारा ये एक नारा दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। ये किसके द्वारा? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी नेता हैं। कौन से नेता? उग्रवादी नेता हैं। जिस टाइम जो है ये कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कह के बोलते हैं, तो यह भीख मांगने वाली संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था के रूप में ये बताते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला ये सरोजनी नायडू थी, और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं अगर पूछे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके द्वारा? वो एनी बेसेंट के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद।
1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार है उसको निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। मतलब यह किसने कहा था कि कांग्रेस अब पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं जब तक भारत में हूँ वो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं अपना योगदान दे सकूँ। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरम पंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमजोर है, जनता में इनकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े जो भक्त थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। वहीं जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है और उस समय भारत का जो वायसराय रहता है वो कौन रहता है? लॉर्ड डफरिन रहता है और लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था। किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा। वही तिलक इसको क्या कहते हैं कि यह एक भीख मांगने वाली संस्था, यानी तिलक मतलब वो उग्र टाइप के नेता हैं और वो बोलते हैं कि हम सिर्फ याचना विवेचना करने से ही कुछ नहीं मिलेगा, क्या करना, हमको जबरन जो है आज़ादी लेनी होगी। तो इस कारण से तिलक के द्वारा इसको भीख मांगने वाली संस्था के नाम से बोला जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार के द्वारा की गई थी। वहीं बात करें लखनऊ अधिवेशन 1916, तो इसकी अध्यक्षता या लखनऊ अधिवेशन 1916 के कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुए थे, अलग हो गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये दोनों एक हो गए थे। तथा 1916 में ही या लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, इसी अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस व मुस्लिम लीग ये दोनों क्या हुई थी, एक हो गए थे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ये दोनों एक हो गए थे, इसीलिए लखनऊ अधिवेशन को कांग्रेस मुस्लिम लीग अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें गया अधिवेशन 1922, तो गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्य के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। फर्स्ट कौन है? सबसे पहले महात्मा गांधी बेलगांव में 1924 में एक ही बार कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता मात्र एक बार गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। वहीं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुल तीन बार इसकी अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी? फर्स्ट टाइम 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। दूसरी बार 1936 में की गई थी लखनऊ अधिवेशन में, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तथा तीसरी बार 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। बात करें वल्लभ भाई पटेल, तो यह कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तथा श्रीमती सरोजनी नायडू, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। तथा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला रहती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 2, 3। इस तरह से सुमिलित कीजिए कि सबसे पहले और नंबर वाइज, मतलब इनको मिलाना है कि सबसे पहले कौन अध्यक्ष पद पे बने थे और उसके बाद सीरियल किस नंबर का है, उसके बाद कौन, मतलब 1924 पहला है, 1924 में गांधी जी बने थे, 1925 में ये कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, तथा जवाहरलाल नेहरू ये 1929 में बने थे और वल्लभ भाई पटेल ये 1931 यानी लास्ट में कौन बने थे, वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, कांग्रेस के जितने भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, अधिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो गलत ना हो। पहला अधिवेशन कब हुआ था, जब स्थापना हुई थी यानी 1885 में, कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में, और इसकी अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। बात करें दूसरे सत्र या दूसरे अधिवेशन, इसकी स्थापना 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तीसरे सत्र या तीसरे अधिवेशन की कब हुई थी, तीसरा सत्र ये 1887 में हुआ था, यानी हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया जाता था, तो तीसरा सत्र 1887 में मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब यानी सैयद बदरुद्दीन तैयब, ये पहले मुस्लिम थे। चौथा सत्र ये कहाँ पर हुआ था, चौथा सत्र ये 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे तथा ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कंफ्यूज नहीं होना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 1885, 86, 87, 88 कहाँ पर हुआ था, पहला मुंबई में हुआ था, ऐसे इंडिया के मैप में सबसे पश्चिम में मुंबई आएगा, दूसरा कोलकाता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था और चौथा कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। इस टाइप का आपको याद कर लेना है। और पहले की जो अध्यक्षता है ब्योमेश चंद बनर्जी के द्वारा की जाती है, दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है, तीसरे सत्र की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की जाती है और चौथे सत्र की अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ष 1996 का जो ये चार थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वर्ष 1996 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अगर क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछता है कि 1896 के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इस टाइप का नहीं, बल्कि ये पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था, तो ये 1896 में उस टाइम कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1899, इसका जो है कहाँ पर, लखनऊ में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि इसमें भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी, उसमें पहली बार भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। नेक्स्ट है 1901 के कलकत्ता अधिवेशन, 1901 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दिनेश ई वाचा के द्वारा किया गया था, इसमें पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे, यानी पहली बार कब दिखाई दिए थे गांधी जी, तो ये 1901 में, और 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इनको जो है अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। 1905 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1905 का बनारस अधिवेशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा ये 1905 के बनारस अधिवेशन में ही की जाती है और 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की जाती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा 1905 के बनारस अधिवेशन में ही की जाती है। हमारा नेक्स्ट है 1906, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। इसमें चार प्रस्तावों को अपनाया गया, पहला है स्वराज, दूसरा बहिष्कार, तीसरा है स्वदेशी, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, उसमें चार प्रस्तावों को अपनाया गया, स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट है
1907 का सूरत अधिवेशन, जिसका जो है अध्यक्षता या जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरमपंथी व गर्मपंथी कांग्रेस इन दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। बाद में आगे चलकर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है, उसमें जाके जो कांग्रेस के गर्म दल व नरम दल हैं वो फिर से एक हो जाते हैं। और विभाजन कब होता है, 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। रास बिहारी घोष ये क्या है, ये एक नरमपंथी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट सेशन जो कांग्रेस का नेक्स्ट सेशन है वर्ष 1910 का इलाहाबाद का आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष सर विलियम बेडन बन हैं। एम ए जिन्ना ने, या जिन्ना ने 1909 के जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उसके शुरू होने की पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। 1909 में क्या आया था, माल्ले मिंटो सुधार। इस सुधार में क्या किया गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था, यानी पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व ये माल्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा प्रदान किया गया था। और इसकी निंदा 1910 के इलाहाबाद कांग्रेस के 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में इसकी निंदा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडन बर्न के द्वारा किया गया था। बात करें 1911 की, तो 1911 की जो अधिवेशन है वह कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बी एन धर थे। कौन थे, बी एन धर। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पहली बार या कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। जनगणमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि जनगणमन कब गाया गया था, तो 1911 में पहली बार गाया गया था। उस टाइम जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता बी एन धर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1915 का बॉम्बे में अधिवेशन, 1915 का बॉम्बे अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सर एसपी सिंघा के द्वारा किया गया था। इसमें चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस के संविधान में बदलाव कब किया गया था, तो 1915 के बॉम्बे अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1916 का कांग्रेस जो है लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एसी यानी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसमें कांग्रेस के दो गुट नरमपंथी और गर्मपंथी यानी अतिवादियों के बीच एकता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमत बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया। लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए किसका योगदान सर्वाधिक था, वो तिलक तथा एनी बेसेंट। तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों के स्वरूप ही जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे वो एक हुए। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली ये पहली महिला थी। नेक्स्ट है वर्ष 1918 का ये विशेष सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई थी। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, तो ये 1919 ईस्वी में आया था, 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि 1919 का अमृतसर अधिवेशन, 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, 1919 के जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यह घटित हुआ था। वर्ष 1920 का विशेष अधिवेशन वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और यह इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने असहयोगी संकल्प को आगे बढ़ाया, 1920 में असहयोग संकल्प इसको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। पूछता है भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1922 का गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सी आर दास यानी चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। चितरंजन दास तथा अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए थे, 1922 में ये अलग हो गए थे, और अलग होकर बाद में आगे जाकर स्वराज पार्टी का गठन भी करेंगे यही लोग। हाँ ये है, 1923 में इन्हीं के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। चितरंजन दास और मोतीलाल के संयुक्त रूप से प्रयास से 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। अगला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी है, बहुत बार पूछा जाता है,
कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल मतलब मात्र एक यही एक अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। अगर पूछे कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार पार्टिसिपेट किए थे, तो 1901 के अधिवेशन में, वर्ष 1901 के अधिवेशन में। बात करें 1925 का कानपुर अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी और यह पहली भारतीय महिला थी। अगर पहली महिला पूछे तो वो एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दूसरी या फिर भारतीय पहली भारतीय महिला पूछे तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 1927 का मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर यम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। इसमें चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। और साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन 1927 के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया। पूर्ण स्वराज को संकल्प को या साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, इसके पहले जो है इसके अध्यक्षता किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसके पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 के अमृतपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, अमृतपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, तथा ये अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया इनके द्वारा, या इस मंच पर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन वर्ष 1928 ईस्वी में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और पहली बार इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। टोटल तीन बार जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू दो बार हुए थे 1919 में तथा 1928 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तीन बार नियुक्त किए गए थे, कब, पहली बार 1919 ईस्वी में, दूसरी बार 1936 में तथा तीसरी बार 1937 ईस्वी में। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पहली बार जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद पर चयनित किया गया था, और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है किसका, कांग्रेस का। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया तथा गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 1931 ईस्वी में, और इसी अधिवेशन यानी कराची अधिवेशन 1931 में ही गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी किया गया। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए थे। नेक्स्ट है 1934 का बॉम्बे अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसमें कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ था, कांग्रेस का जो संविधान है उसमें संशोधन हुआ था। पहली बार कब हुआ था, तो 1915 में ही हुआ था। पहली बार कांग्रेस के जो संविधान है उसमें संशोधन 1915 में हुआ था, और दूसरी बार 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ष 1936 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस अधिवेशन के द्वारा या किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया, तो वो था 1936 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। इसमें किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है, जो फैजपुर अधिवेशन है वो किसी गांव में होने वाला पहला, इसके पहले जितना भी अधिवेशन हुआ था वो पर्टिकुलर किसी न किसी सिटी में ही आयोजित किया गया था, लेकिन यह यानी फैजपुर या किसी गाँव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में किसके सहयोग से, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है 1939 का त्रिपुरी,
इसे त्रिपुर 1947 का जो त्रिपुरी संकट आया था, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस भी फिर से अध्यक्ष पद के लिए क्या चयनित होना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी की क्या चाह रहे थे कि इस पद पर पट्टाभि सीतारमैया जो है क्या हो, इस पद पर चयनित हो, तो दोनों में विवाद होता है। फाइनली जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया पब्लिक के द्वारा, इन्हें या कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके द्वारा फाइनली इनको चुना गया था। और इस पे जो है, जब सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी तो गांधी जी ने बोला था कि जो पट्टाभि सीतारमैया की हार है वो पट्टाभि सीतारमैया की ना होकर वो मेरी हार है। इसी से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि इस्तीफा दे देते हैं। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया तथा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की थी? 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है 1940 का अधिवेशन, कहाँ पर? रामगढ़। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा की जाती है। वर्ष 1941 से लेकर वर्ष 1945 तक यह अधिवेशन विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, RIN, RIN इम्यूनिटी और INA द्वारा प्रभावित, क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, संवैधानिक वार्ताओं का चरण, इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण जो कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं हो सका। यही कारण है कि जो 1940 से लेकर 1945 तक ये इसमें जो है अबुल कलाम को ही इस पद पर, अध्यक्ष के पद पर बने रहे। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर कौन थे? तो वे थे अबुल कलाम आजाद। इनके द्वारा 1940 से लेकर 1945 तक ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट है 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 का मेरठ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जे बी कृपलानी के द्वारा की गई थी। आज़ादी के समय आखिरी सत्र, कभी कभी पूछता है आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आज़ादी के टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी थे। ये कांग्रेस में होने वाले जितने भी सेशन या इम्पोर्टेंट सेशन थे उनको डिस्कस किया गया कि वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और उनके अध्यक्ष कौन थे, तथा उस सेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, इन सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायकों के चुनाव के बहिष्कार की तथा महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया। किसके? महात्मा गांधी का जो है जो नीति था उसका विरोध किया। बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। तथा सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907, इसमें जो है रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बात करें कलकत्ता अधिवेशन 1917, तो जे बी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? जे बी 1917 जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा, ये पहली भारतीय महिला थी। 1917 वाला ये ध्यान से सुन लीजिएगा, एनी बेसेंट ये पहली महिला थी, कांग्रेस पद पर चयनित होने वाली पहली महिला थी जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। और अमृतसर अधिवेशन 1919 इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस सेशन में लास्ट टाइम था जब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भाग लिया गया था, तथा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि इनका जो लास्ट अधिवेशन में पार्टिसिपेट होने वाला है वो कौन सा है? अमृतसर अधिवेशन 1919। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धत थी। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धत क्या थी? ऑप्शन नंबर ए असहयोग, ऑप्शन नंबर बी है राजवाम्यबद्ध आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है अनुकूल प्रविघटन, ऑप्शन नंबर डी है अविधेयक। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अविधेयक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजा वामबद्ध आंदोलन।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धत राज वामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं उग्रवादियों की मुख्य मांगें अनुकूल विघटन पद्धत थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल व गरम दल का उद्भव हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल के से बाहर प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद हो गया। ये परिणाम स्वरूप कब हुआ था, जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में। उस टाइम स्वदेशी आंदोलन क्या था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1904 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। वर्ष 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध चार प्रस्ताव पारित किए गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल व ऊधम सिंह ये चारों उग्रपंथी थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्र नहीं बल्कि क्या थे, एक उदारवादी नेता थे। ये कौन थे, उदारवादी नेता थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उग्रवादी नेता हैं वो कौन से हैं, पहले तो लाल बाल पाल इनको याद कर लें, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ऊधम सिंह, मदन लाल व अरविंद घोष। ये नाम कितने हैं, छः। ये छः नाम ये ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उग्रवादी नेता, यानी इनका नाम अगर आपको याद है तो 99% चांस है कि आपका जो है आंसर वो राइट ही होगा। ये चार कौन है, लाल बाल पाल, और तीन कौन है, ऊधम और मदन और अरविंद। ऊधम, मदन, अरविंद ये छः ही हैं जो उग्रवादी या मोस्ट इंपॉर्टेंट उग्रवादी नेता हैं। अगला है जो उदारवादी नेता कुछ हैं उनके नाम देख लेते हैं। उदारवादियों में सबसे प्रमुख कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे हैं फिरोज शाह मेहता। तीसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चौथे हैं मदन मोहन मालवीय। पांचवें हैं दादा भाई नौरोजी। और छठे हैं एमजी रनाडे। यही ये जो छह हैं, अगर आप लोग इनका नाम याद कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड या उग्रवादी या उदारवादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग उसका जो है सही आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। बात करें चिरोल की तो चिरोल के द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया तथा मैक्स मूलर ये संस्कृत के एक विज्ञान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये मैक्स मूलर के द्वारा कहा जाता है कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तिलक की दो पत्रिका है वो कौन से है, समाचार पत्र, वो केसरी व मराठा है। केसरी व मराठा, मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में, जबकि केसरी है ये अंग्रेज, केसरी ये किस भाषा का, केसरी जो है ये मराठी भाषा का पत्र है। और इसी केसरी समाचार पत्र के चलते ही तिलक को 1908 ईस्वी में क्या हुई थी, देशद्रोह का मुकदमा चला गया तथा इनको जेल हुई थी, 6 वर्ष की जेल हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसने तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन नंबर डी है मैजनिको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैजनिको। लाला लाजपत राय ने इटली में क्रांतिकारी यानी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का टाइम पीरियड कब तक, कब से कब तक है, 1905 से लेकर 1908 तक है। स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। यानी ये चारों, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये चारों ये उग्रवादी नेता हैं। कौन? उग्रवादी या क्रांतिकारी टाइप के नेता माने जाते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 52 में एंड ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 53 में। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था, जिसका जो है राइट आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए में। यानी मूल कर्तव्य किस में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 51 ए में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन 1946 में किया गया था, इसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है तथा इसे भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है बात करें जो प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो प्रेजेंट टाइम में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मूल रूप से केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। एक बार देख लेते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो पहला है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें व उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। बात करें दूसरा, जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है वह है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें। वहीं पाँचवा क्या है, पाँचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। दसवां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। एंड लास्ट 11वां कौन सा है, लास्ट है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। यह कब, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य नंबर 11 को जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हित प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है केवल राज्य के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर या उसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।